व्हाट्सअप गाइज, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं रिएक्शन, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि पानी के अंदर ट्रेन चलेगी, पानी के अंदर ट्रेन चलेगी। सुन के अजीब लग रहा है, लग रहा होगा ना फॉल्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पानी के अंदर कैसे ट्रेन चल जाएगी भाई। ये राइट है, मैंने देखा, मतलब वीडियोज़ देखी हैं, सर्च किया है, क्योंकि एक ये मेगा प्रोजेक्ट में से एक है इंडिया का, और ये इंडिया में होने वाला है दोस्तों, इंडिया में कोलकाता में ये प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर वाटर मेट्रो का, मेट्रो ट्रेन। मैं दूसरी ट्रेन की बात नहीं कर रहा, वो एक चल रहा है मुंबई से दुबई तक का, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर ये वाला है कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अपकमिंग है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, जो चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा, उसके ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, उसके ऊपर वीडियो बन रही है, वीडियो बनी हुई है, तो उस पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ कि ऐसा है क्या रियल में, क्या ना पानी के नीचे ना मेट्रो चलेगी। तो चलेगी तो ये तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, है ना दोस्तों। तो ये इंजीनियर तो फिर सलाम देने वाले इंजीनियर्स होंगे जो ऐसा कारनामा कर देंगे। चलो दोस्तों टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते रिएक्शन, उसके बाद करेंगे बातें ये वीडियो ठीक है। चलो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते रिएक्शन, हियर वी गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के कोलकाता शहर में बन रहे इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो के बारे में। इससे पहले जमीन के ऊपर और मिट्टी के नीचे चल रहा मेट्रो की सफर तो लगभग सभी ने किया है, तो आप तैयार हो जाइए नदी के नीचे से मेट्रो की सफर के लिए, वो भी हमारे देश में। हिंदुस्तान ने अपने आप को बार-बार साबित किया है, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब ऐसा ही एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोलकाता के गंगा नदी के नीचे चल रहा है, जो कोलकाता और हावड़ा शहर को मेट्रो से कनेक्ट करेगा। नदी के नीचे से मेट्रो कैसे चलाया जाएगा और नदी के नीचे ये मेट्रो टनल कैसे बनाए गए हैं, वो आगे इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों मेट्रो एलिवेटेड और अंडरग्राउंड लाइन बनाना जितना चैलेंजिंग है, उससे कई गुना ज़्यादा चैलेंजिंग है नदी के नीचे से टनल बना के मेट्रो लाइन को आगे ले जाना, क्योंकि एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ पानी के नीचे ऑक्सीजन की कमी। सो इन सारी चीज़ का सामना करके पानी के नीचे टनल बनाना बहुत ही रिस्की और चैलेंजिंग का काम था, लेकिन सारे इंजीनियर्स ने मिल के इस रिस्की काम को कम्प्लीट किया है। आइए जानते हैं इस काम को कैसे अंजाम दिया गया है। 14 अप्रैल 2017 में हावड़ा की उस पार से ये टनल बनाने का काम शुरू हुआ था। जर्मनी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया जर्मन संस्था हेरिनकेट ने 90 मीटर लंबा TBM मतलब टनल बोरिंग मशीन रचना और प्रेरणा से शुरू किया गया था। 14 अप्रैल 2017 में हावड़ा की ओर से कोलकाता की तरफ टनल बनाने का काम शुरू किया गया था अर्थ प्रेशर टनल बोरिंग मशीन रचना से। करीब 36 दिन बाद पहला टनल बनाने का काम समाप्त हुआ था। उसके बाद 26 मई 2017 में पिरुना ने भी दूसरा टनल बनाने का काम शुरू किया था, जो कि 27 दिन के अंदर टनल बनाने का काम खत्म करके कोलकाता की तरफ चला आया था। ये टनल नदी के 30 मीटर नीचे मिट्टी खोदकर बनाए गए हैं, जिसके लिए बहुत पहले से काफ़ी कुछ तैयारी की गई थी। अप और डाउन इन दोनों टनल में मिट्टी खोदने के समय कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो, इसलिए हाई टेक्निक एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी की गई थी, ताकि मशीन्स को पानी के नीचे उतरने के बाद कोई बाधा ना आए। इन दोनों बोरिंग मशीन्स की दूरी अब बचाए रखने के लिए रचना अपना काम शुरू करने 15 दिन बाद पेरोना ने भी अपना काम शुरू किया था। इस काम के लिए 100 मजदूरों को काम पे लगाया गया, जिनकी शारीरिक शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। काम पे शामिल होने से पहले उन्हें इस बात पर जोर दिया जाता था कि वो पर्याप्त रूप से नींद पूरी की थी कि नहीं। इस पूरे काम को परीक्षण के लिए 2400 घंटे 3 शिफ्ट पर 120 इंजीनियर्स नियुक्त किया गया था। टनल के नीचे काम करने के समय वायु में ऑक्सीजन के लेवल 20% से कम ना हो जाए, इन चीज़ों पर खास ध्यान रखा जाता था। काम करने के समय कोई मजदूर बीमार पड़ जाए तो उन्हें कैसे जल्दी से टनल से बाहर ले आने के लिए 2 मेन कैरियर एम्बुलेंस और स्पेशल डॉक्टर की टीम 2400 घंटे स्पॉट पर मौजूद रखा जाता था। टनल बोरिंग मशीन्स को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल पंपिंग मशीन का यूज़ किया गया था, ताकि नदी के पानी को बाहर निकाल सके। मशीन सुरंग खोदने के साथ साथ कंक्रीट का टनल बनाने का काम भी एक साथ किया गया था। और आप लोगों को बता दूं, टनल में पानी के लीकेज ना हो इसलिए गैस किट्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये टनल पूरी तरीके से भूकंप विरोध बनाया गया है, ताकि भूकंप के समय यात्रियाँ सुरक्षित रहे। फिर भी अगर कोई खतरा हो इसलिए कुछ दूरी पर क्रॉस पैसेज रखा गया है, ताकि एक से दूसरे टनल में लोग जा सके।
टनल के अंदर वॉकवे भी मौजूद है। किसी भी इमरजेंसी के समय यात्रियां पैदल अपने नजदीकी स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। इतनी प्लानिंग, डिजाइनिंग, मेहनत और परीक्षण के बाद फाइनली ये टनल बन चुका है और अभी सिर्फ इंतजार है ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन कंप्लीट होने की। उसके बाद टनल के नीचे से मेट्रो इन दोनों महानगरी को जुड़ेगा, जो हिंदुस्तान के लिए एक गर्व करने की बात होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों समझ आया, मैं बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू। कोलकाता में एक नदी है, गंगा नदी, जिसका नाम है उगली नदी, जिसे कहा जाता है। वो उगली नदी काफ़ी गहरी है, ठीक है, और जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज तो सब जानते होंगे, ठीक है। तो अब ये था कि चैलेंज था कि स्टेशन है ना, जो हावड़ा स्टेशन है वो है स्टेशन नदी के इस पार, और जो शहर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इस साइड नदी क्रॉस करने के बाद। अब ये मेट्रो लाइन जो बन रही है, ये मेट्रो लाइन बन गई है, सॉरी जैसे मैंने जाना कि ऐसा कारनामा कर गए हैं, पर स्टार्ट नहीं हुई है। वो मतलब नदी के नीचे से निकाले जा रहे हैं, तो वो हम उनको जोड़ना था। ये नहीं कि छोटी मोटी नदी है, ये नदी कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस की होगी, 200 मीटर की डिस्टेंस की है, काफ़ी चौड़ी नदी है, तो काफ़ी गहरी भी है। तो ना उसके ऊपर ये इंजीनियर्स ने काम स्टार्ट किया, तो जैसे मजदूरों का ख्याल रखना, इंजीनियर बेस्ट बुलाए गए, और मशीनें जो थी एकदम प्रॉपर तरीके से काम करती थी, ये उन्होंने कर दिखाया। अब ये है कि पूरी मेट्रो लाइन खत्म होगी तो मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर पता लगेगा। और भूकंप के लिए भी इन्होंने काफ़ी सोच समझ के बहुत प्लानिंग के साथ बनाया, अगर फंस जाए कोई तो कैसे वो क्रॉस कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी ये मतलब कि इन्होंने प्लानिंग करी है कोलकाता में ये डेवलपमेंट, क्योंकि कोलकाता की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ना रुकी हुई थी, तो अब डेवलप कर रहा है, मेट्रो में भी डेवलप कर रहा है, तो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आई थिंक बहुत ना गर्व के लिए, इंडिया के लिए बात है ये। तो दोस्तों मेरे को ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, बताओ यार क्या हो रहा है इंडिया में, है ना। तो और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सत श्री अकाल।